साजदा कहां रह गई थी? जाओ ये मेरे कमरे में रखो। अम्मा पूछे अपनी नवासी से कि यूनिवर्सिटी की वापसी में किसके साथ आई थी। क्या हुआ बहू? हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। बंद करें इसका घर से निकलना, वरना ये भी रूही की तरह कोई कारनामा सर अंजाम देगी। मुंतहा ये क्या कह रही है गुलनाज? मुझे क्या पता, पता नहीं क्या कुछ कहती रहती हैं ये। क्या बकवास कर रही हो? बताओ अपनी नानी को क्या कर रही थी रोहिल की गाड़ी में? उसके साथ घूम फिर रही थी तुम? मैं कहीं नहीं घूम रही थी। रोहिल यूनिवर्सिटी आए थे आनिया के काम से, मेरा टकराव हो गया उनसे। और तुम झट से उसकी गाड़ी में आन बैठी। किसे बेवकूफ बना रही हो? किसे? आनिया क्या हुआ अम्मी? क्या तुमने रोहिल को यूनिवर्सिटी भेजा था? बताओ बताओ इन्हें, तुमने रोहिल को नहीं भेजा था यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बुक्स वापस करने के लिए? बताओ कि मुझे गलत समझ रही है, तो मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने देंगी क्या? से बोलो। हाँ अम्मी वो बताना भूल गई थी बस मैं आपको। तुम क्या पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? घर के मुलाजिम मर गए थे जो तुम रोहिल को यूनिवर्सिटी भेज रही हो? बहू अब छोड़ो ना, भूल जाओ। क्यों अपनी जान को हलकान करती हो? अम्मा इसकी बेवकूफियां खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही। शादी सर पे है इसके, क्या करेगी ये ससुराल जाकर? तुम क्यों परेशान होती हो? बच्चियों की जब शादी हो जाती है ना तो खुद ब खुद सब बातें समझ में आने लगती हैं। इसके भी आने लगेंगी है? मुंतहा तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। जाओ